Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to start our class 5th English poem 1, that is Ice Cream Man from Marigold NCERT syllabus. So let's recite the poem and I'll explain you the meaning of the poem in Hindi. So the poem name is Ice Cream Man. Now before we'll recite the poem, let's see this, what is given about the poem. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat. तो यहाँ पे जो poet है वो आपको पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एकदम cold होती है, यानी ठंडी ठंडी होती है, sweet यानी कि मीठी होती है और creamy भी होती है और हमें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. तो yes, you are right, that is ice cream, है ना. And उसी के बारे में तो हम poem पढ़ने वाले हैं. Everyone's favorite treat, specially on a hot summer day, is an ice cream. आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न में यानी समर सीज़न में हम सभी की जो फेवरेट ट्रीट होती है वो क्या होती है, एक आइसक्रीम होती है, राइट. एंड everyone's favorite person might just be the ice cream man. और हर किसी का जो फेवरेट मैन होता है आइसक्रीम, मतलब समर सीज़न में, वो कौन होता है, आइसक्रीम मैन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम. When summer's in the city and bricks blaze off heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz. Green, orange, white or pink, his cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honeybees. So this poem is written by Rachel Field. He is the poet of the poem. Now let me explain you the meaning of this poem in Hindi. So hum stanza wise dekh lete hain. When summer's in the city, यानी कि जब सिटी में, जब हमारे शहरों में, जब हमारी जगह ऊपर समर सीजन शुरू होता है. When summer's in the city and breaks blaze of heat, यानी कि जब हमारे जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे समर सीज़न शुरुआत होती है उसकी. एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, तो क्या होता है, एकदम से जैसे ब्लेज शुरू हो जाता है. ब्लेज मतलब इतनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है. That the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो हम लोग क्या देखते हैं समर सीज़न में, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो एक आइस क्रीम मैन हमारी सोसाइटी के अंदर, स्ट्रीट के अंदर एंटर करता है अपनी एक छोटी सी कार्ट के साथ. एंड वो कैसे आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. ट्रंडलिंग डाउन मतलब उसके जो व्हील्स हैं वो घूमते हुए हमारे यहाँ पे स्ट्रीट पे आते हैं और हम लोग एकदम वेट करते हैं कि कब आइसक्रीम मैन आएगा. उसकी जो कार्ट है उसकी घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देगी, टन 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 करके सुनाई देगी. इस तरह से हम उसका वेट करते हैं. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. तो अगर आप देखो तो जो आइसक्रीम मैन होता है उसकी जो कार्ट होती है, तो वो गर्मियों के सीज़न में हमें ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम तो दे रहा है, बट विद दैट उसकी जो कार्ट है उसके ऊपर एक राउंड अम्ब्रेला होता है. क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करेगा ना, साथ ही साथ उसकी उस कार्ट में वो उस अम्ब्रेला से जो ठंडी ठंडी जो आइसक्रीम होती है, कॉफ़ी होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उन सबको भी वो ठंडा रखने के लिए उसको लगा के रखता है. तो वो कैसा, वो जो सीन है, जो साइट है, साइट का मतलब नज़ारा है, वो कैसा होता है, एकदम जॉयफुल, मतलब वी फील वेरी हैप्पी टू सी दैट. ओके, टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंड्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. और हम और ज़्यादा देख के क्या खुश होते हैं, जब वो अपने आइसक्रीम जो कार्ट है उसमें से वो आइसक्रीम के कोन्स निकालता है और फिर स्कूप करता है आइसक्रीम कोन में वो फिलिंग से, किससे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो क्रीम होती है ना, लाइक अलग अलग, लाइक ब्राउन एंड वाइट यहाँ पे बताया गया है. लाइक ब्राउन ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं चॉकलेट फ्लेवर, एंड वाइट मतलब आपको बताया गया है वनीला एंड ऑल अदर फ्लेवर्स. तो जब वो कोन्स में एकदम जो आइसक्रीम फिल करता है, सो वो एक माउंड तैयार कर रहा है. माउंड मतलब एक छोटा सा जो पहाड़ होता है, दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग. सो बाई सीइंग दिस साइट वी फील सो जॉयफुल. ओके, एंड विच आर द फ्लेवर्स ही इज़ हैविंग, विल सी इन द नेक्स्ट स्टांजा. वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, उसके पास कौन कौन से फ्लेवर बताए उसने, वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. इसके अलावा
और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, इसके अलावा आइसक्रीम के अलावा वो और क्या चीज़ें रख रहा है अपने साथ, चिली थिंग्स, चिली मतलब एकदम जो ठंडी ठंडी पीने की जो चीज़ें आती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं वो अपने साथ रख रहा है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, उसने अपने साथ आइसक्रीम के अलावा बॉटल्स भी रखी हैं, किसकी, फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी फिज मतलब जो ड्रिंक्स होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई, वो सब वो अपने साथ रख रहा है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, आपने देखा होगा जब भी आप आइसक्रीम काट के पास जाते हो, आइसक्रीम मैन के पास जाते हो, तो आपने देखा होगा उसके पास काफ़ी सारे जो ठंडा पीना हम जिसे बोलते हैं वो उसके पास होता है, जिसका मज़ा हम उठाते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट स्टांजा इज हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज। अब यहाँ पर पोएट ने स्टांजा में आइसक्रीम मैन के कार्ट को एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया। फ्लावर बेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना जब बगीचे में आप जाते हो तो फ्लावर बेड होते हैं, अलग अलग क्यारियाँ में अलग अलग फ्लावर्स लगे होते हैं। सो उसने, पोएट ने यहाँ पर जो कार्ट, आइसक्रीम कार्ट है, उसको फ्लावर बेड से यहाँ पर कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फ्लावर बेड पे अलग अलग तरह से फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आइसक्रीम मैन के पास अलग अलग आइसक्रीम्स हैं, फ्रॉस्टी फिज है, बॉटल्स हैं ड्रिंक की, ठीक है, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। तो जैसे फ्लावर बेड में आप जाओ तो आपको रोज़ का फूल मिल जाएगा, स्वीट पीस के आपको फूल मिल जाएंगे, इसी तरह से आइसक्रीम मैन के पास भी अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम्स वगैरह है। The way the children cluster round as thick as honeybees. अब यहाँ पर अगेन एक कंपेरिजन आपको दिखाया है, हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं कि जिस जैसे ही आइसक्रीम मैन हमारी सोसाइटी में, हमारी स्ट्रीट में एंटर करता है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो क्या करते हैं, क्लस्टर राउंड, क्लस्टर राउंड मतलब उसके आगे पीछे एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, जिस तरह से जो हनी बीज हैं, जो वो हनी के आगे पीछे, यानी या फिर आप वो अपने छत्ते के आगे पीछे जिस तरह से एक क्लस्टर बना के मतलब झुंड बना लेती है ना, बस उसी तरह से बच्चे आइसक्रीम कार्ट के आगे इस तरह से झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। ओके, सो हियर द पोयम एक्सप्लेनेशन इज ओवर। आई होप आपको ये जो पोयम है कि बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम। ओके, टिल देन बाय बाय।